नौकरियाँ तो मिलेंगी सर, सर नौकरियाँ मिलेंगी सर, नौकरियाँ अगर इनको रैबरे खेल को दिए हैं उनका हक है, वो एहसान नहीं है, वो आप भी मानते हैं, वो मैं भी मानता हूँ। देश में जब हमारे पीएम साहब बैठे हैं तो क्या वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियाँ भी नहीं देंगे? अब जब वो नौकरियाँ दे देंगे तो फिर कहेंगे रोज़गार दे दिया है। नौकरियाँ तो देनी है साहिब, आज भी नौकरियाँ देनी है, आज के 10 साल बाद भी और नौकरियाँ देनी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट 2014 का सर, अभी तक एक इंजीनियरिंग पोस्ट नहीं निकली है जम्मू कश्मीर के अंदर। कितने युवाओं ने इंजीनियरिंग की हुई है, कितने बैच के पास आउट हुए हैं, आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त युवाओं की क्या हालत हो रही है? और 202 पे सर प्रोबिशन पीरियड कम हुआ, मेरी पेन कॉपी निकाल लें, SRO 202 प्रोबिशन पीरियड कम हुआ, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं चेंज हुई, SRO 202 इज ए डेड लेटर नाउ। SRO 202 पे सर अभी भी युवा खुश नहीं है सर, युवा खुश नहीं है, नहीं है, यही तो दिक्कत नहीं है ना, क्यों नहीं है, यही तो आप हमसे पूछेंगे क्यों नहीं है, हम आपको जवाब देने के लिए हैं सर, हम बच्चों के सवाल लेके आए हैं, हम उनसे मिलते हैं, आपकी कम मुलाकातें होती हैं सर, मेरी आई रोज होती है, वो मुझे कहते हैं कि हमारे की इन्हें 4 महीने में आप कर रहे हैं सर, 4 महीने कौन सी पॉलिसी है मुझे समझ नहीं आती। और इस पे स्टेटमेंट भाजपा का कौन सा आया सर, कितना बड़ा स्टेटमेंट आया, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, आज दे रहे हैं सर आप मुझे दे रहे हैं आप, आज दे रहे हैं सर, टर्मिनेट को कितना टाइम हुआ है, 3 महीने राजौरी में बेटियां बैठी रही प्रोटेस्ट में, किसी ने नहीं पूछा एक बच्चे से जाकर, श्रीनगर के बच्चे यहाँ बैठे रह रैबरे खेल पे। 2017 की पॉलिसी है ये, वही रैबरे खेल जो जम्मू कश्मीर के अंदर तब भाजपा की सरकार थी और इस सरकार की बनाई हुई कमेटी है ये, और इसकी शक्ल दी हुई है, इस पर कमेटी भी बैठी थी अभी हालिया 2020 के अंदर, अभी तक उसका कोई रिप्लाई, उसका कोई जवाब नहीं मिला है। यूथ का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सर, 3,000 रुपया एक महीने की सैलरी है, आप जान सकते हैं 3,000 क्या है, 1,000 में बच्चे का दूध नहीं आता है, तो 3,000 में वो कौन सा अपना घर चलाएंगे? इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं, कंधों पे नेशनल फ्लैग इंटरनेशनल फ्लैग्स लेकर घूमते हैं और जम्मू कश्मीर में आके यहाँ के पे एक्सप्लॉइट होना चाहते हैं, इसके कौन जिम्मेवार है, क्या भाजपा, या फिर वही सवाल रहेगा कि पिछले 70 सालों के गुनाह हैं सर? कोमोसाइला आने पे आपको मालूम है सर कि मेरी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, उन्होंने वेलकम किया था, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, वेलकम किया, और सेकंड वन इंटरव्यू उनके साथ रात के 1 बजे उनके घर पे हुआ था मेरा, और उन्होंने उस पर भी वेलकम किया। डबल स्टैंडर्ड सर, आने पे भी वेलकम करते हैं, जब चेंज होता है तब भी वेलकम करते हैं 48 घंटे में सर, दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं सर? मेरा एक सवाल है आपसे, प्रोबेशन पीरियड 7 साल सर, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, भाजपा कहती है अच्छे दिन आएंगे, आप उस वक्त को और इस वक्त को कंपेयर कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, आपके प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं रैली और उसके में ऐलान करते कि हमारे युवा जो हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमें युवाओं की कदर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कितना फख्र होता है जब हमारा बच्चा जम्मू कश्मीर का थाईलैंड में, जर्मनी में, बाहर की मुमालिक देश की कंट्रीज़ में जाके रिप्रेजेंट करता है इंडिया को और गोल्ड मेडल लेके वापस आता है, और उस वक्त में हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी होता है, लेकिन जब वही युवा रोड पे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाता है कि भाई साहब 3,000 में मेरा गुजारा नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरा बूढ़ा बाप है, मैंने उसका ख्याल रखना है, उसका जवाब दें सर आप, उस चीज़ एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, एक्सेप्ट करते हैं 2 साल चाहिए हमें, वो कहते हैं हमारी 5 साल की ट्रांसफ़र पॉलिसी रख दी गई है, एक बच्चा जो श्रीनगर का सर, वो 5 साल ले लद्दाख में कैसे गुजारेगा, उसकी सैलरी कितनी है, वो अगर महीने में 3 चक्कर करेगा उसकी सैलरी तो उसी में चली गई, आप उस चीज़ को देखें सर, 4 साल जिनको हो चुका है, उनको 2 साल का प्रोबिशन का फ़ायदा मिलेगा, बाकी 2 साल कहाँ गए सर? 2015 से जो बच्चा पढ़ रहा था सर, 16, 17, 18, 19, 20 बच्चों ने तालीम हासिल करने के लिए बैठे सर, सर JDA के आपने सर ऑर्डर नहीं देखा, कौन सी नौकरी, उसमें ये नहीं लिखा होता कि 2015 से लेकर जो अभी तक की तमाम जो JDA के अंदर जो भी पोस्टेज आ रही हैं हम विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें था ना सर, ये आपने भी पढ़ा था ना, और बच्चे तभी रोड पे है ना आज। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर सुहेल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ, और मैं आपको बताते चलूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िलहाल भी इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, और फिलहाल युवाओं के मुद्दों पर हमारी हमेशा आवाज़ रहती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है या फिर मरकजी सरकार है, और हमेशा हमारी अपील रहती है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के जितने भी मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। अभी भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी तरफ से युवाओं का एक्सप्लोइट किया जा रहा है, रिवोक किया गया था SRO 202, लेकिन फ़िलहाल भी उसमें बहुत कमी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। SRO 24 पे भी आवाज़ रहेगी, और इसके साथ साथ रैबरे खेल पे भी रहेगी, NYC के मुद्दे पे भी रहेगी, और चंद मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पे आवाज़ जो है वो लगातार हमारी बुलंद है, और युवाओं के जो मुद्दे हैं उनके सवाल जो हैं वो रूलिंग पार्टी के नेताओं से पूछे जाएंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं
आर एस पठानिया साहब जो एक बड़े कद वाले नेता हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त से भाजपा के साथ इनका एक रिश्ता भी है, और आज मेरे सवालों का जवाब देंगे आर एस पठानिया साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया डेली तस्कीन को टाइम देने के लिए। सर, खास बातचीत होगी आज आपके साथ और मेरा सवाल सर रहेगा, मैं मुख्तसर से जवाब चाहूँगा अपने ऑडियंस के लिए। सर, काफ़ी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आप भी जानते हैं बेहतर, मैं भी जानता हूँ, मैंने पहले भी कह दिया, SR 202 है, 24 है, रैबरे खेल है, NYC के मुद्दा है, और 4G की भी बात कर लेंगे इसमें कि 4G का भी एक बहुत बड़ा मायना है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों नहीं भाजपा कोई कदम ले रही है SR 202 पे, SR 24 पे एक कमेटी बिठाई गई थी रैबरे खेल पे, 2017 की पॉलिसी है ये, वही रैबरे खेल जो जम्मू कश्मीर के अंदर तब भाजपा की सरकार थी और इस सरकार की बनाई हुई कमेटी है ये, और इसकी शक्ल दी हुई है, इस पर कमेटी भी बैठी थी अभी हालिया आई 2020 के अंदर, अभी तक उसका कोई रिप्लाई, उसका कोई जवाब नहीं मिला है। यूथ का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सर, 3000 रुपया एक महीने की सैलरी है, आप जान सकते हैं 3000 क्या है, 1000 में बच्चे का दूध नहीं आता है, तो 3000 में वो कौन सा अपना घर चलाएंगे। इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं, कंधों पे नेशनल फ्लैग, इंटरनेशनल फ्लैग्स लेकर घूमते हैं और जम्मू कश्मीर में आके यहाँ के पे एक्सप्लॉइट होना चाहते हैं, इसके कौन जिम्मेवार है, क्या भाजपा, या फिर वही सवाल रहेगा कि पिछले 70 सालों के गुनाह हैं। देखें, हर एक बात को ओपन करके चलें अगर आप लोग, पहले तो कहीं भी कोई ऐसा इम्प्रेशन अगर जाए कि भाजपा किसी भी तरीके से कोई भी खिता, कोई भी तबका, कोई भी शोभा इस जम्मू कश्मीर का, जिनके लिए भाजपा की तरफ से थोड़ी सी जिसे कहते हैं सुस्तपन, लेक्सिटी या इनसेंसिटिविटी, जितना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए उतना नहीं, मुझे लगता नहीं कोई ऐसी बात है। कुछ मैं कल भी किसी मित्र से बात कर रहा था कि कुछ जो बेरोज़गार नेता, कुछ लोग, वो हमने नहीं किए, लोगों ने किए हैं, और वो जो ऐसे बेरोज़गार हुए हैं कि हमारे क्षेत्र के जिसे कहते हैं नौजवानों को, बेरोज़गारों को एक नया गॉस्पेल बना के, एक तमाशा बना के। मैं आप ही के सवालों से वहाँ पर बाद में आ जाऊँगा। एक तो बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले आपके ध्यान में ले आऊँ कि यहाँ पर भाजपा का सरकार नहीं है इस वक्त। अब आपका सवाल होगा, केंद्र में भी सरकार है, आपका LG भेजा हुआ है, गवर्नर रूल का एक अपनी में एक लिमिटेशन रहता है कि ये apolitical तौर पर, नॉन पॉलिटिकल तौर पर चलता है। हमारा पार्टी का कोई भी प्रमुख नेता, रविंद्र रैना जी का आज अगर अध्यक्ष हैं, या जुगल जी आज MP हैं, या इवन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, बट कहीं भी सरकार की डे टू डे रूटीन फंक्शनिंग में आप अगर बोलेंगे तो हमारा उसमें कोई इम्पोर्टेंट, हाँ हम कई बारी बात करते हैं कि ये काम हमने करवाया इस तरीके से कि हम एक पॉजिटिव तरीके से, बींग ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, हम एक फीडबैक, एक पब्लिक का जो फीडबैक, पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट, आप जैसे मित्रों के साथ बैठ के हम बना के सरकार को देते हैं, सरकार नॉर्मली उस पर एक्ट करती है, कई बारी एक्ट नहीं भी करती है, और कोई छुपाने की बात नहीं, देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट्स विद इन द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स विच वॉन्ट टू स्पॉयल द इमेज ऑफ द मोदी 2.0। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट बना के रखा है, और वी डोंट वॉन्ट टू आउन, हम कभी आउन नहीं करेंगे, ना ही कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ना ही कभी उनके साथ एफिनिटी जारी करेंगे। जितनी भी जिसे कहते हैं फॉल्ट्स, फेलिसिस, या जितने भी मिसनॉमर्स आज तक यहाँ पे वो क्रिएट करके लोग को अगर परेशान उसमें हो रहे हैं। अब आपके सवाल को इवॉल्व करते हुए, आप इसी आर्गूमेंट को डेवलप करते अगर आप लेके चलें डोमिसाइल लॉ, आपने बात नहीं की लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, एक रिएक्शन पूरे यूथ में एक चला गया, पूरे जम्मू कश्मीर में चला गया, और हमने भी कहा वी आर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस डोमिसाइल लॉ का वेलकम नहीं, ऑफिशियली हमने वेलकम इसका नहीं किया, और सबसे जिम्मेदार जो न्यूज़पेपर दी हिंदू ने दिल्ली में रिपोर्ट किया कि BJP हैज़ टेकन अप द इशू विद द सेंट्रल पार्टी हाईकमान। आप देखें आर्गूमेंट कहाँ चला गया, लेकिन कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया, पता नहीं कौन सी वो दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, मुझे नाम भी याद नहीं उसका, वो फलानी बात को रोकना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सर मेरा सवाल रैबरे खेल पे था, मेरा सवाल SR 202 पे। मैं देख, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तो ये एक मीडिया के माध्यम से एक ऐसा, एक आप जैसे मित्र, आपको भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ,
यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द ऑफ ए डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर। आपके माध्यम से जो भी डिबेट हो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो, आपका काम है, आपका ड्यूटी है एक्सपोज करना, आपका ड्यूटी है एक इशू लेके आना वहाँ पे। लेकिन नॉन इशू को लेके कहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल कुछ मित्रों की ओर रेफर कर रहा हूँ कि आर्गूमेंट कहीं और चला जाए। डोमिसाइल लॉ में वी हैड द करेज, वी हैड द करेज, हमने अपनी हाईकमांड से बात की और हमने उसे एक दिन में चेंज कराया। सर डोमोसाइला आने पे आपको मालूम है सर कि मेरी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, उन्होंने वेलकम किया था, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, वेलकम किया, और सेकंड वन इंटरव्यू उनके साथ रात के 1 बजे उनके घर पे हुआ था मेरा, और उन्होंने उस पर भी वेलकम किया। डबल स्टैंड है सर, आने पे भी वेलकम करते हैं, जब चेंज होता है तब भी वेलकम करते हैं 48 घंटे में। सर दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? सब शायद समझ, उन्होंने कहा था कि मेरा आश्वासन है कि 90% नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी, ये बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, दे नेवर वेलकम्ड इट। तो फिर अगर वेलकम किया तो फिर दिल्ली किसने बात की? मैं आई पुट ए काउंटर क्वेश्चन टू यू, दिल्ली किसने बात की? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी स्टैंड ले रही है सर इस पे। सर सुने मेरी बात, आप ही के लोगों ने, आई नो आई पुट ए क्वेश्चन टू यू कि आपकी आपके 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 मित्रों ने रिपोर्ट किया है कि अपनी पार्टी वालों का पता नहीं कौन सी दूसरी तीसरी चौथी पार्टी जो भी आप कह रहे हैं कि उनका एक दो बार उनका अमित शाह जी से बैठक हुआ, एक बार नरेंद्र मोदी जी से उनका बैठक हुआ। अरे भाई पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, फ्लाइट बंद है, रेल बंद है, वो कौन सा चॉपर उड़ा यहाँ से और जिसको प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के पास ले गया? माई पॉइंट इज़ कि इंडल्ज इन ए कंस्ट्रक्टिव डिबेट, रेबर खेल की बात है। आप मुझे बताइए कि इनसे पहले, रैबरे खेल लगने से पहले कितने लोग हमारे बीपीएड, एमपीएड, सीपीएड करके एम्प्लॉयड थे जम्मू कश्मीर में? आज कम से कम उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। इनको 3000 मिलता तो रैबरे तलीम को कितना मिलता था मुझे बताइए? 1500। एसपीओ को कितना मिलता था? इनका तो एक करीबत तरीके से 3-4-5-7 साल के बाद ये लोग पक्का होंगे। एसपीओ का तो फ्यूचर ही कोई नहीं बचा रहेगा, और कब का आया ये लोग? आप रैबरे तलीम को कितना मिलता था? इसको पॉजिटिव तरीके से आप देखें कि इस रैबरे खेल के माध्यम से कितने अनएम्प्लॉयड युवाओं को रोजगार मिला है, इज इट ए पॉइंट और नॉट? दूसरी जो आपकी बात है, मैं आई शेयर ए कॉमन प्लेटफॉर्म आपके साथ, मैं एक मंच पे आपके साथ खड़ा हूँ कि इनकी तनख्वाह वाकई 3000 कम है। वी एक्सेप्ट इट एज ए पार्टी एंड वी हैव मेड इट एज ए मेड इट क्लियर, एक तो न्यूनतम दिहाड़ी कम से कम मिनिमम वेज सर्वाइव करने के लिए मिले, और थोड़ा सा हम शायद बात करेंगे ऊपर कि इनका जो वो जिस पीरियड में इनको पक्का होना है वो थोड़ा कम किया जाए। सर आप मेरी बात सुनेंगे? सर मेरा एक सवाल है आपसे, प्रोबेशन पीरियड 7 साल। हाँ। सर भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, भाजपा कहती है अच्छे दिन आएंगे, आप उस वक्त को और इस वक्त को कंपेयर कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, आपके प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं रैली और उसके बीच में ऐलान करते हैं कि हमारे युवा जो हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमें युवाओं की कदर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कितना फ़ख्र होता है जब हमारा बच्चा जम्मू कश्मीर का थाईलैंड में, जर्मनी में, बाहर की मुमालिक देश की कंट्रीज़ में जाके रिप्रेजेंट करता है इंडिया को और गोल्ड मेडल लेके वापस आता है, और उस वक्त में हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी होता है। लेकिन जब वही युवा रोड पे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाता है कि भाई साहब 3000 में मेरा गुजारा नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरा बूढ़ा बाप है, मैंने उसका ख्याल रखना है, उसका जवाब दें सर आप उस चीज़ के। यू प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन कि पहले तो रैबरे खेल के माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार मिला है, मिला है या नहीं मिला है? कितने लोगों को एक एश्योर्ड सरकार में जाने का एक चैनल मिला है? रोज़गार की बात छोड़ें आप, उसमें रोज़गार तो एक पार्ट है, लेकिन आज 7 साल के बाद ये लोग बिल्कुल पक्का होकर और बिल्कुल परमानेंट सरकारी मुलाजम बनने वाले हैं। रैबरे खेल आने से पहले आज 3000 तो मिला, आज 7 साल के बाद पक्का होने का एवेन्यू तो मिला, लेकिन सर कम पीरियड लगता है आपको? मैं आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, मैं कभी नहीं कह रहा कि जो 3000 उनको मिला ये बिल्कुल ठीक है, नॉट एट ऑल। हम कह रहे हैं 3000 पे कम है, मतलब ये भाजपा की आप मानते हैं ये गलती है? देखें मेरी बात सुने आप, इसमें नॉट एट ऑल गलती की बात नहीं है। मैंने आपको बार बार इसमें कहा कि जितने भी स्टेप्स इसमें एक्चुएट करके इस वक्त गवर्नर शासन यहाँ पे लग रहा है, अमरनाथ लैंडरो कभी ये कहता है, कभी पीएससी का चेयरमैन, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्या रविंद्र रैना जी वो दो ऑर्डर करते हैं क्या, या वो जितेंद्र सिंह जी दो ऑर्डर करते हैं क्या? आज अमरनाथ यात्रा को बंद करते हैं, दूसरे दिन शुरू करते हैं, एक कन्फ्यूजन एक यहाँ पे बना के रखा है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, और उनका भी मैं आपको बोलूँ कि उनके उनसे भी पूरा हिसाब लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, इट्स ए वेरी वेरी सेंसिटिव केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें भारत सरकार की और खासकर नरेंद्र मोदी जी की पूरी एक नज़र है 24/7। ये दिस थिंग वुड नॉट बी अलाउड। रैबरे खेल पे ही मैं फिर दोबारा आपके आर्गूमेंट को ले जाऊँ
कि इसको पॉजिटिव क्या आपने, मैं नो आई पुट अ क्वेश्चन टू यू, आप मुझे पूछ रहे हैं 3,000 ठीक है या 1,000 रुपये दूध है, क्या आपने इस पॉजिटिव पार्ट को आज तक चलाया? या आप जैसे किसी मित्र ने कि इतने लोगों को आज रोज़गार मिली और 7 साल के बाद पक्का होने का एवेन्यू मिला है, SRO 202। सर नौकरियां तो मिलेंगी सर, सर नौकरियां मिलेंगी सर, नौकरियां अगर इनको रैबरे खेल को दिए हैं उनका हक है, वो एहसान नहीं है, वो आप भी मानते हैं, वो मैं भी मानता हूँ। देश में जब हमारे PM साहब बैठे हैं तो क्या वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियां भी नहीं देंगे? अब जब वो नौकरियां दे देंगे तो फिर कहेंगे रोज़गार दे दिया है। नौकरियां तो देनी है साहिब, आज भी नौकरियां देनी है, आज की 10 साल बाद भी और नौकरियां देनी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट 2014 का सर, अभी तक एक इंजीनियरिंग पोस्ट नहीं निकली है जम्मू कश्मीर के अंदर। कितने युवाओं ने इंजीनियरिंग की हुई है, कितने बैच के पास आउट हुए हैं? आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त युवाओं की क्या हालत हो रही है? मल्टीनेशनल कंपनीज में यहाँ से बच्चे नहीं जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, ऐसी हालत जम्मू कश्मीर की बनी हुई है। तो किसने कहा 2014 के बाद इंजीनियर की कोई नौकरी नहीं की? सर हमसे यूथ मिलता है, हमसे यूथ बात करता है। 2014 से कोई भी वैकेंसी अलग ऐलान नहीं हुई है, किसी भी डिपार्टमेंट में 14 पोस्टें निकली होंगी, 96,000 फाइट के लिए होगा। आर्गूमेंट कोई मैं डिफ्लेक्ट करूँ कि ये एक कोशिश थी कि एक CPET BPET MPET बच्चे जितने भी हैं सारे, इन सभी बच्चों को अनएम्प्लॉयड थे 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से ये लोग अनएम्प्लॉयड थे, ये कोशिश की गई और मुझे लगता है कि तकरीबन सारे ही लोग ब्लॉक सतह पे गांव सतह पे सभी लोगों को इन्वॉल्व करके एब्जॉर्ब करके इनको चैनल में लाया जाए उसमें, और एक बारी चैनल में आ गए हैं, ट्रैक पर चढ़ गए हैं, जो भी इनके इशूज़ हैं वो एड्रेस किए जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपके बाकी मित्रगणों से भी रिक्वेस्ट है, और मेरे जो नौजवानों, मेरे जो भाई और बहन छोटे बड़े सबसे मुझे रिक्वेस्ट है, एक जिसे कहते हैं ना इश्यूज़ आउट ऑफ थिन एयर, प्रैक्टिकल बात करें, दिस इज़ इंडिया। अभी एक दिन में चंडीगढ़ लंदन, वी आर नॉट USSR, अभी एकदम हमें USA बनना या अमेरिका बनना इस तरीके में, इट विल टेक टाइम। इसमें वर्चुअली इसमें कई सालों के जख्म हैं ये सर। वर्चुअल रैली में सर कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया है, देखें जी अब जम्मू कश्मीर से बात हो रही है बाहर, वहाँ से बात हो रही है यहाँ, आप कह रहे हैं अभी जर्मनी नहीं है, अभी मुमालिक कंट्री इंटरनेशनल नहीं है, वो तो बैठ कर वहाँ पर आप ही के BJP के बड़े लीडर कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो चुका है, देखिए जी फेस टू फेस बात हो रही है, वहाँ पर एक स्टैंड यहाँ पर एक स्टैंड। मैंने डिजिटल इंडिया की कोई बात नहीं की, आप बिल्कुल पहले यहाँ तो मुझे समझाना नहीं आया, या आप मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए पूरा प्रॉपर तरीके से। मेरा इशारा इस तरफ है कि दिस इज़ अ स्टेट विच हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टेट इंडिया इज़ अ स्टेट, और भारत जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें, जम्मू कश्मीर की टोटल कमाई, टोटल रिसोर्सेज इतना है कि सिर्फ मुलाजमों की तनख्वाह भी जम्मू कश्मीर बियर नहीं कर सकता इसमें। अभी हमारा अर्निंग कैपेसिटी इतना एडवांस नहीं हुआ, इस बात को मानना चाहिए। नाउ आई पुट ए क्वेश्चन टू यू कि 3 साल से कम का एक टेन्योर, पिछले 60 साल 70 साल तो कुछ लोग हो रही है ना, यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ नहीं पाया, आपको इस पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट करना चाहिए उसमें। हाँ 2 साल या 3 साल का जो वक्त जिस जो हम नहीं कर पाए, हम भी जिम्मेवार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो 70 साल वाले क्यों भी तो डिस्कस करें ना, वो जो 70 साल 80 साल रहा वो आपके चैनलों पर बड़ी बड़ी छातियाँ दहाड़ के बात करके प्लाना करके, जनाब क्या हो गया है? जिस विधानसभा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अरे भाई मैं तो पहली बार आया, वहाँ लोग 60 साल भी रहे, 20 साल भी रहे, वहाँ पर एक सड़क रामनगर की जब मैं विधायक बना, एक भी सड़क रामनगर की पक्की नहीं थी, एक बारिश पड़ती थी नगर तो रामनगर से 1.5 से 2 किलोमीटर गाड़ी नहीं जाती थी उसमें। लेकिन टुडे सिचुएशन इज़ 1,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड लेंथ ऑफ रामनगर, या तो सड़कें पक्की हो गई, पक्के होने का काम चल रहा है, या पक्का होने के पैसे मंजूर हुए हैं। अब नेचुरली कहीं काम चल रहा होगा तो गाड़ी तो रुकेगी, अब कहीं पैसे लगे हैं अगर मंजूर हुए हैं काम। अब मान लीजिए जैसे डिग्री कॉलेज 2 बने हैं मेरे क्षेत्र में, एक डिग्री कॉलेज रेंटेड अकोमोडेशन में चलता है, दूसरा भी एक छोटे से कमरे में चलता है। आपका जो पत्रकार बंधु, आपका माइंड मत कीजिएगा, एक पत्रकार बंधु वहाँ जाते हैं, कहते देखिए जनाब ये भाजपा की ये जिसे कहते हैं ये अचीवमेंट, देखिए भाजपा की ये 2 कमरों में, अरे भाई बिल्डिंग बनाने में इट विल टेक टाइम। डुडू बसंतगढ़ जैसे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज सेंक्शन तो मानते हैं, वो मानते हैं सर, हम युवाओं पे बात करेंगे, हमारे युवाओं पे तरक्की क्या हो रही है ग्राउंड में, ग्राउंड जीरो पे सर, ग्राउंड जीरो पे तरक्की क्या हो रही है वो अलग बात है, हम युवाओं पे बात करेंगे, युवाओं की परेशानी आ रही है सर। बी कंस्ट्रक्टिव, जो हो रहा कम से कम उसकी बात भी तो करें ना भाई साहब। SRO 2 जैसे जा रहा है जाने दो सर, SRO 202 जैसे जा रहा है जाने दो। SRO 202 आप टेक इट ए लीगल ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, आप ऐसा करें ये जो जितने भी लोग ये जो मैंने कहा ना, एक तो वो मेरे भाई हैं बहनें हैं सारे, लेकिन एक नई एक अनएम्प्लॉयड क्लास बन गई है इसमें, ये आपके चैनलों के माध्यम से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये 60-60 साल ये लोग रहे, अब लोगों ने अनएम्प्लॉयड कर दिए बेचारे, और आने वाले वक्त में भी ये लोग अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, टेक इट फॉर ग्रांटेड।
कि 60-70 साल आप लोगों ने पावर एंजॉय की, आप जनता का कुछ भला कर नहीं पाए, यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट, यहाँ का एजुकेशनल नेटवर्क, यहाँ का आईटी सिनेरियो आप चेंज कर नहीं पाए, यहाँ के रोड नेटवर्क 202 पे सर, एसआरओ 202 पे डॉक्टर जितेंद्र जी ने ट्वीट किया था, कहा था कि एसआरओ 202 पे प्रोबेशन पीरियड कम कर दिया। सर हम फिगर्स पे बात करेंगे, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे और हम ग्राउंड जीरो पे बात करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के ज़िलों पे बात नहीं करेंगे, हम युवाओं पे बात करेंगे। सर मुख्तसर सर जवाब चाहता हूँ सर, मेहरबानी चाहिए सर। ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस आपसे बहुत 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 उम्मीद रखती है सर। एसआरओ 202 पे सर प्रोबिशन पीरियड कम हुआ, मेरी पेन कॉपी निकाल लें, एसआरओ 202 प्रोबिशन पीरियड कम हुआ, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं चेंज हुई। एसआरओ 202 इज ए डेड लेटर नाउ। जो एसआरओ 202 का जितना भी जिसे कहते हैं जो एंटी यूथ, एसआरओ 202 इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। मेरी बात सुन लें उसमें ध्यान से बिल्कुल। जो भी नया युवा जो आएगा उसके लिए कोई भी उसमें इस तरीके का जेस्टेशन पीरियड डिवाइस नहीं किया गया हुआ है। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए उसको रिड्यूस करके 2 साल किया गया है। अरे भाई ऐसे भी सर्विस लॉ में पहले 2 साल तो मुलाजम को प्रोबेशनर ही, नया जॉब मुलाजम सरकार को आता है उसका करेक्टर जज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे एक्सेप्ट करते हैं 2 साल चाहिए हमें। वो कहते हैं हमारी 5 साल की ट्रांसफ़र पॉलिसी रख दी गई है, एक बच्चा जो श्रीनगर का है सर वो 5 साल ले लद्दाख में कैसे गुजारेगा, उसकी सैलरी कितनी है, वो अगर महीने में 3 चक्कर करेगा उसकी सैलरी तो उसी में चली गई। आप उस चीज़ को देखें सर, 4 साल जिनको हो चुका है उनको 2 साल का प्रोबेशन का फायदा मिलेगा, बाकी 2 साल कहाँ गए सर। आज हम और आप जम्मू में बैठे हैं, आज आप कह रहे हैं उसको ले जाना पड़ेगा, उसको लद्दाख जाना पड़ेगा। मैं एक पहाड़ी क्षेत्र की नुमाइंदगी भी की है मैंने और बेस्ट MLA का अवार्ड भी असम्बली में लिया है मैंने। मैं आपको बता दूँ कि अगर ये मेरे नौजवान लोग नहीं जाएंगे उन पहाड़ी इलाकों पर डुडू बसंतगढ़ में तो और कौन जाएगा उसमें। Could you imagine कि हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक एक टीचर, दो दो टीचर, तीन तीन टीचर, जो ये कहीं ना कहीं पॉलिसियों के माध्यम से ही लोग फंस के आज खनेड़ स्कूल में इसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के साथ कुछ लोग लगे हैं तो वहाँ पे स्टाफ है आज, वरना खनेड़ स्कूल जो एक हायर सेकेंडरी स्कूल है प्रिंसिपल लेक्चरर 2 के 3 टीचर टीचर हुआ करते थे वहाँ पे। यानी आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ये बरकरार रहनी चाहिए और ट्रांसफ़र पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये जो 7 साल 5 साल की ट्रांसफ़र पॉलिसी ये बरकरार रहनी चाहिए। रनिंग वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट के साथ साथ सरकार को कहीं ना कहीं ये कंसिड्रेशन भी मैच करनी है कि ठीक है युवाओं की कन्वीनियंस, उनकी मर्ज़ी से एम्प्लॉई को अच्छी हालात दिए जाएँ, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं जो अब कहीं भी अगर आप, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि नाउ दिस इज़ ए सेटल्ड लॉ सुप्रीम कोर्ट में भी कि ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन आप किसी भी ट्रांसफ़र ऑर्डर को अगर पढ़ लें, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं दूर बात करने की काम करने की बात की जा रही है। देखिए एसआरओ 202 का भी लॉजिक क्या था कि थोड़े पैसे के साथ ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, चूँकि सरकार के लिमिटेड रिसोर्सेज थे। और ये ऑर्डर ऐसा था जो कहने को तो भाजपा और PDP सरकार के दौरान आया, बट विच वॉज नॉट एट ऑल डिस्कस्ड इन द इंटर पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका बैठ के ही डिस्कशन इसका हुआ नहीं। और उस इंटर कोऑर्डिनेशन बैठक के बाद में भी कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे इसका, यह द्राबू साहब ने एक कमेटी तो बिठाई थी ना सर, इसके लिए कमेटी तो बिठाई थी ना मेरी बात सुन, इसीलिए हम लोगों ने रजिस्टर किया तभी आई ना भाई साहब कमेटी। आज 2015 जून के जुलाई का ऑर्डर, लेकिन आज 19 में ये इशू गरमाया, 4 साल बाद आपके माध्यम से तो 4 साल बाद ही लाया गया ना, लेकिन वी वर सेंसिटिव, हमारा तब भी स्टैंड था और आज भी स्टैंड है। जब ये रिवोक नहीं हुआ था तब भी हमने कहा था इट शुड गो एंड वी मेड इट टू द सेंट्रल पार्टी हाईकमान, और सेंट्रल पार्टी हाईकमान ने आखिरकार इनसे बात की कि एसआरओ 202 इसको निकालें हम यहाँ से। सर एसआरओ 202 पे सर अभी भी युवा खुश नहीं है, सर युवा खुश नहीं है, होना चाहिए नहीं है, यही तो दिक्कत नहीं है ना, क्यों नहीं है, यही तो आप हमसे पूछेंगे क्यों नहीं है, हम आपको जवाब देने के लिए हैं सर, हम बच्चों के सवाल लेके आए हैं, हम उनसे मिलते हैं, आपकी कम मुलाकातें होती हैं सर, मेरी आई रोज होती हैं, मैं भाई साहब आपके माध्यम से, वो मुझे कहते हैं कि हमारी गुहार लगाइए। जितने भी युवा मुझे देख रहे हैं कृपा करके यहाँ इस आपके टेलीविज एड्रेस को मेरे बाद भी रिकॉर्डिंग के बाद भी देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लें, एसआरओ 202 इज प्रैक्टिकली ए डेड लेटर। एसआरओ 202 जो इस कंडीशन में आज है उसमें एक पॉइंट भी, पॉइंट जीरो पॉइंट भी वो कहीं भी एंटी यूथ है, एंटी एम्प्लॉय कहीं भी नहीं है। यू कम वट में जिस इशू पे, जिस फ्रंट पे, जहाँ भी आप डिबेट मुझसे करना चाहें उसमें कहीं भी, जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम केंद्र के मुलाजम से या मणिपुर या मेघालय या दिल्ली या बॉम्बे के मुलाजम से कहीं भी भिन्न नहीं है।
ये छोटी छोटी क्लॉजें यहाँ पर इंटरप्रेट करके मैं आप लोगों की ब्लेसिंग के साथ मैंने सर्विस लॉ की प्रैक्टिस करी है हाई कोर्ट में, थोड़ा सा कानून की थोड़ी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी समझ मैं रखता हूँ उसमें। तो फिर क्या? सर आप ये भी जानते होंगे, फिर सर सुनिए सुनिए, फिर सर आप ये भी जानते होंगे SRO 24 पे नर्सेज को टर्मिनेट किया गया है, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था सर, चार महीने में किया गया है, अगर GMC ही रन करनी थी तो इन युवाओं को एक्सप्लॉइट क्यों किया गया है, सवाल ये है। तो मेरा स्टैंड ये है SRO 24 पे कि इनको वापस सरकार को लेना चाहिए, नहीं ले रहे हैं ना, यही तो गुजारिश है। हैव पेशेंस, हमारा पॉइंट ये है। नाउ आई पुट अ सेकंड क्वेश्चन टू यू कि जब SRO 24 के तहत इनका नौकरी लगी, वो तो इनकी अपॉइंटमेंट उसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ गवर्न थी, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया था एक साल, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया था उसमें कि किसी भी वक्त समरली इनको डिपेंडिंग अपॉन दी नीड एंड नेसेसिटी, चूंकि मेडिकल कॉलेजेस चल नहीं पाए इस लॉकडाउन के पीरियड में, और गॉड नोज आई डोंट, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दी ऑर्डर, किसी ने किसी वजह से किसी ने किसी प्लान से वो किया गया, आई एम नॉट जस्ट डिफेंडिंग इट कि उन्होंने ठीक किया है, उसमें इतना बड़ा बवाल बनाने की जरूरत सर, कोई वो नहीं। ऑर्डर में ये था कि एक साल से लेकर छः साल तक बाकायदा इन बच्चों की रिक्रूटमेंट हाई लेवल पर हुई है, 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 29 सेलेक्ट हुए एक एक डिपार्टमेंट में, और फिर फाइनली इन बच्चों को यहाँ पर ला कर इन बच्चों ने इस नौकरी पे भरोसा किया, एक साल के लिए ये बच्चे आए थे, अब एक साल के बाद इन्हें टर्मिनेट कर दें, कोई भी इनमें से बच्चा आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि इनका एक साल का था, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था, एक साल के बाद हो सकता है, लेकिन इन्हें चार महीने में आप कर रहे हैं सर, चार महीने कौन सी पॉलिसी है मुझे समझ नहीं आती, और इस पे स्टेटमेंट भाजपा का कौन सा आया सर, कितना बड़ा स्टेटमेंट आया, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, आज दे रहे हैं, आज दे रहे हैं सर, आप मुझे आज मुझे दे रहे हैं, आप आज दे रहे हैं सर, टर्मिनेट को कितना टाइम हुआ है, 3 महीने राजौरी में बेटियां बैठी रही प्रोटेस्ट में, किसी ने नहीं पूछा एक बच्चे से जाकर, श्रीनगर के बच्चे यहाँ बैठे रहे जम्मू में, वांट टू करेक्ट यू, आप कह रहे हैं एक साल के बाद टर्मिनेट करें, उनका अपॉइंटमेंट ही एक साल के लिए था, उनको एक साल के बाद टर्मिनेट करने की जरूरत कोई नहीं थी, प्लीज बी केयरफुल इन द यूसेज ऑफ वर्ड्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने 4 महीने में क्यों किया सर, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही एक साल का था, उसमें 4 महीने में क्यों, वॉज नॉट एक साल, फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर टू नहीं सर, आप गलत है, आप चेक कर ले, आप चेक कर, 1 ईयर टू 6 ईयर, नॉट 1 ईयर, 1 ईयर टू 6 ईयर, अगेन आई से यू सर, 1 ईयर टू 6 ईयर, एक साल से 6 साल, आई हैव फुल सिंपैथी, 3 महीने 4 महीने कहीं पे नहीं था, सहानुभूति सुन ले मेरी बात, जाना मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे वरना डिबेट एंड नहीं होगा, मुझे पूरी सहानुभूति और पूरा एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है अपने भाइयों और बहनों से जिनको भेजा गया है वापस, एंड वी आर ट्राइंग एट ईच एंड एवरी लेवल, एंड वी वर्चुअली सिंसियरली वॉन्ट कि ये लोग ईमानदारी से ये लोग वापस अपनी अपनी जगह वहाँ पर आएँ, लेकिन मेरी बात आप ध्यान से इसमें सुन लें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस वक्त SRO 24 के, उसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इनका अपॉइंटमेंट जो था दैट वाज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल, और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजम की जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत किसी भी वक्त सरकार डिपेंडिंग अपॉन दी वर्चुअल नीड एंड नेसेसिटी उसको डिसंगेज कर सकते हैं, इसमें ये कोई ये नहीं एक वैसे ही मेरे एक अनएम्प्लॉयड मित्र जैसे मैंने कहा दिया ना, कुछ नेता लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उन्होंने कहा जी पता नहीं मोदी जी कह रहे हैं लॉकडाउन में ऐसा तो इसमें ऐसा हो गया वैसा, तरह तरह के आर्गूमेंट, देखें बी कंस्ट्रक्टिव, वी शुड बी कंस्ट्रक्टिव, मैं आपका जो ओपनिंग पार्टी है मैं उसमें बता रहा हूँ, कहीं भी आप यूथ की अगर बात कर रहे हैं इस दौरान, आज 50,000 नौकरी आ रही है जम्मू कश्मीर, सर 50,000 नौकरी क्यों नहीं आ रही है सर, गवर्नर साहब एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने कहा था 50,000 नौकरियां, आपके रविंद्र राणा जी से मेरा इंटरव्यू हुआ था सर, मेरे पास एक्सक्लूसिव देखा है जनता ने, 1 लाख से ऊपर जनता ने देखा है, और उन्होंने कहा था 50,000 नौकरियां आएंगी, डोमोसोइला आएगा, GAD के डिपार्टमेंट ने विदड्रॉ कर दी नौकरियां सर, विदड्रॉ हुई हैं नौकरियां 2015 से लेकर अभी तक, आपके बीजेपी के ऑफिस के बाहर भी इस वक्त बच्चे हैं सर, दिखाना चाहूंगा मैं आपको, बच्चे सामने हैं प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन डोंट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई नौकरी विड्रॉ करके अबॉलिश नहीं हुई, प्लीज जीडी के डिपार्टमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने विड्रॉ नहीं की, यू आर वेरी रिस्पांसिबल जर्नलिस्ट, यू आर बिलोंग टू वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई नौकरी भी अबॉलिश नहीं की, हैव यू स्टडीड द यूनियन बजट जिसमें जम्मू कश्मीर का एलोकेशन आया है, इस बार जो यूनियन जो जम्मू कश्मीर का जो बजट वहां से दिल्ली से अप्रूव किया गया हुआ है उसमें एम्प्लॉयमेंट का पार्ट आपने देखा है सर, जो बच्चे बाहर गेट के ऊपर अभी रुके हुए हैं विड्रॉ के ऑर्डर पे वो गलत हैं, उन्हें मालूमात नहीं है, वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, देखें वो इसी सोशल मीडिया से प्रवोक हो गए, आज मेरे इसको भी आप मेरा जो वीडियो है इसमें भी कुछ लोग प्रवोक होकर उल्टा सीधा कमेंट कर रहे होंगे, बट वन शुड नो टू कॉल स्पेड ए स्पेड, सच बोलना झूठ थोड़े ना बोलना, कोई सब्ज बाग दिखाना के बच्चों को, 8,000 कुछ नौकरियां जो है वो क्लास 4 की आई हैं, हम वेलकम करते हैं लेकिन जो विड्रॉ
हुई हैं सर, जो विड्रॉ हुई हैं, जो विड्रॉ हुई हैं उनका क्या है, जो विड्रॉ हुई हैं? केंद्र सरकार ने कभी कहा है कि इस 8000 के बाद अगले 8 साल बाद कोई नौकरी नहीं आएगी इसमें? सर जो विड्रॉ कर दिया 2015 से जो बच्चा पढ़ रहा था सर, 16, 17, 18, 19, 20 बच्चों ने तालीम हासिल करने के लिए बैठे सर, सर JDA के आपने सर ऑर्डर नहीं देखा? कौन सी नौकरी? उसमें ये नहीं लिखा होता कि 2015 से लेकर जो अभी तक की तमाम जो JDA के अंदर जो भी पोस्टर्स आ रही हैं हम उन्हें विड्रॉ कर रहे हैं? उसमें था ना सर, ये आपने भी पढ़ा था ना, और बच्चे तभी रोड पे है ना आज। एक कानूनी प्रणाली तय करने के लिए नेवर दी पोस्ट फॉर नेवर विड्रॉज, एक रिक्रूटमेंट रूल्स को इन लाइन लाने के लिए 5 अगस्त 2019 को लाके इट वाज़ ए कन्फर्मिटी ऑर्डर, ठीक है ना। कहीं भी कौन सी को 1 लाख 2.5 लाख नौकरियों का कोई खजाना था तो भाजपा गठरी में डाल के लेगी। डोंट ट्राई टू पुट एज एन आर्गूमेंट, और प्लीज़ कहीं भी कोई भी मेरा नौजवान भाई या बहन कृपा करके इस आर्गूमेंट से मिसलीड ना हो। 7-8 हज़ार नौकरी आया है, इसके बाद और भी नौकरी उसमें आएगी, और जिसमें युवाओं को वाई डोंट यू प्रोजेक्ट इट। नई नौकरियां ला रहे हैं सर आप, नई नौकरियां आप ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि और 8000 आएंगे, जो टर्मिनेट हुए हैं उनको तो वापस लगा लीजिए ना सर, वो जो 10 और 24 वाले बच्चे टर्मिनेट हुए हुए हैं सर, वो जो बच्चे इस वक्त इतने परेशान हालत में हैं, उन बच्चों से मेरी बात हुई है, 82 दिन के प्रोटेस्ट पे रहे हैं सर, 82 डेज आपको मालूम है रजौरी में 82 डेज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे आपने, और उनका आपको ये मालूम है कि वो रेंट के कमरों में रहते थे, आपको मालूम है कि सर उनके रेंट का भाड़ा भरना उनके लिए मुश्किल हो गया था सर, आपको मालूम है कि उन पर क्या हालात गुजर रहे थे सर। मैंने SRO 24 को तफसील से डिस्कस किया है, एंड वी आर सिंसियरली ट्राइंग कि जितने भी बच्चे हैं ये वापस अपनी अपनी जगह पे वहाँ पे आएं। कब आएंगे? हम यही सवाल करते हैं कब आएंगे? कंडीशन सुन लें, SRO डाउन कीजिए कि मैं किसी को वो नहीं आसमान उतार के मैं नीचे दे दूंगा, मैं प्रैक्टिकली वी शुड कॉल स्पेड ए स्पेड, मैं बार बार कह रहा हूँ, वन शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी मच डाउन टू द ग्राउंड। उसमें आप हर जगह ही एक देखें, आप अगर आप जैसे बोल कहाँ है नौकरी आप बोलेंगे, देखें एकदम तो मैं मुझसे डोगरी में कहते हैं तलीबर सरियाँ जवानी होते, विदाउट नोटिफिकेशन एकदम आप टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई नहीं पूछने वाला, विदाउट नोटिफिकेशन आप टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज 1 साल है ना सर, 4 महीने में विदाउट नोटिफिकेशन टर्मिनेट करें कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजम का आप एक बार, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जिसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट है विच कुड बी एनीवेयर टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर जो पॉलिसी के अंदर 1 साल लिखा जाता है वो गलत होता है, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं होता वो। वी शुड डू वन थिंग, लेट अस गो ऑन ए लीगल ओपिनियन, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजम जो होता है ही कैन बी जब मर्जी आए आप इनको टर्मिनेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज एनी वे अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सीजेंसीज। आप देखें सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजम लगाती क्यों, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स नॉट इंडल्ज इन उतनी उनकी सर हाई रिक्रूट एजेंसीज के तहत उनकी सर रिक्रूटमेंट होती है, खत्म नहीं होगी ना ऐसे बात सुने, लेट्स नॉट इंडल्ज इन टग इन वॉर, उसमें लेट्स बी कंस्ट्रक्टिव, सच की ओर जाने की कोशिश करते हैं एक बार। सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजम लगाती क्यों है? पहले जहाँ पे पोस्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं की गई हैं, जहाँ पे अभी उनको पेमेंट देने का, तनख्वाह देने का अभी कोई एश्योर्ड को ऐसा कोई सोर्स ऑफ फंडिंग सरकार के पास नहीं है, ऐसे जो भी पोस्ट क्रिएट होती है उसमें फाइनेंस, उसमें प्लानिंग, हर जगह का अप्रूवल देके फिर पोस्ट क्रिएट होकर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जाती है। आपके ध्यान में ले जो प्रणाली यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में चलती है, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजम में कोई फाइनेंस, कोई प्लानिंग, कोई ये जो मेन जो HOD है वो काम चलाने के लिए एकदम एडवर्टीज़ करता है, शॉर्ट टर्म उस पर इनका एम्प्लॉयमेंट जो है इनको नौकरी में लिया जाता है उसमें, और कॉन्ट्रेक्चुअल लाजमी का एज़ पर लॉ, मैं बच्चे कहीं ये फ्रेंड न ले मेरी ओर से कि मैंने कह दिया कि आपको जो मर्जी, लेकिन लीगल पोजीशन उसमें बता रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजम की एज पर लॉ ही कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, वो छोड़ भी एट एनी टाइम सकता है और उसको छुट्टी भी किसी भी टाइम हो सकती है। हमारा मानना था कि कम से कम ये लॉकडाउन पीरियड है और लॉकडाउन पीरियड पे इन बच्चों से काम लिया जाना चाहिए था हेल्थ डिपार्टमेंट ने, ऑन दी अदर साइड उसमें प्लीज़ डोंट ट्राई टू प्रवोक देम कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा जैसा कहीं कोई एक वर्षन जा रहा है, भाजपा ने मुझे कहते चुप्पी बांध के रखी, भाजपा की वजह से शायद आप लोग बाहर निकाल दें, पता नहीं शायद अब अगला आर्गूमेंट कहीं ये ना आ जाए कि जो वो ऑर्डर था वो यहाँ से आ जाइए, जो त्रिकुटा नगर वाला BJP के ऑफिस है इन्होंने वेट करके उन्होंने अप्रूव करके भेजा तो फिर जाके उनको बाहर निकाला, उसमें ऐसा आर्गूमेंट मत करें। देखें मैंने कहा कि वन शुड बी कंस्ट्रक्टिव, वन शुड बी पेशेंट, आप सबर के साथ, आप बिल्कुल ध्यान के साथ इसमें एक लेट्स इंडल्ज इन इन्फॉर्म्ड डिबेट कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का बेटर कैसे हो सकता है। द इशू अभी ये है, देखें अभी डिबेट किस इशू पर चलनी चाहिए, आज 50,000 नौकरी है, पहले 7,000 आपने ही कुछ कहा नंबर, मैं आई विल कोट योर नंबर कि ये नौकरियां बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चलें। आज क्या मीडिया ने इस पॉइंट पे कभी डिबेट इनिशिएट किया कि पहले बार आज इंटरव्यू अबॉलिश किया गया जिसमें करप्शन और जिसमें लूट खसूट हुआ करती थी? फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गांव में जाता हूं, कई बार लोग कहते हैं जनाब मेरे घर से कोई मुलाजिम नहीं है,
मुझे मुलाजिम लगाया जाए, लेकिन आज तक ऐसा प्रावधान था ही कोई नहीं। आज जिसके घर से कोई मुलाजिम नहीं है, आज उसको भी एक प्रेफरेंस वहाँ पे देने की बात की गई है। आज डेली वेजर्स वो कह रहे हैं जनाब हमें तो देखा ही नहीं, कह रहे भाई आपके लिए तो वो रेगुलराइजेशन वाला चैनल तो ओपन ही है ना, वी आर फॉर इट, हर एक आदमी को मिनिमम वेज मिले और एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 7 साल के बीच में उसका रेगुलराइजेशन होना पक्का, और हम ऐसे मॉडल पर आएंगे, वी विल कम टू। अब आप बोलेंगे कब आएंगे, कल तो होगा नहीं ना, सुबह टुमारो मॉर्निंग यू कम विद। आज मैं स्टेट वादे आपके होते हैं, दावे आपके होते हैं, युवाओं के साथ चलने का, मुस्तकबिल बनाने का, कदम बढ़ा के आगे बढ़ने का स्टेटमेंट आप भाजपा का होता है सर, हम आपको प्रूफ्स भी दे सकते हैं कहाँ पे क्या बात की है, कब किस जगह कौन सी बात हुई है, हम आपको बता सकते हैं किस तरीके से। हमारा मुद्दा था सर SRO 24 पे, आपने कहा कि कभी भी कर सकते हैं टर्मिनेट, किसी भी वक्त कर सकते हैं। सुनिए जी, 5 GMC हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर थे, वहाँ अनंतनाग में भी GMC था सर, कठुआ में भी था, राजौरी में भी था। इन बच्चों को इसी लग गया था क्योंकि इन्होंने GMC का स्टार्टअप करना था और बाद में इनको टर्मिनेट किया गया है, जो रिटायर्ड स्टाफ है उसको बुलाया गया है, उनसे काम लिया गया। हम मानते हैं अच्छा किया काम लिया आपने, वो एक्सपीरियंसड है, काम लेना चाहिए उनसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इनको विड्रॉ कर रहे हैं और फिर SSB के थ्रू आप बोल रहे हैं कि हमारे पास परमानेंट स्टाफ आ गया है। कहां से आपके पास परमानेंट स्टाफ है? लास्ट आपने रिक्रूटमेंट निकाली कि नर्सेज वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन आप सुनिए, या मुझसे बिल्कुल, मैं आपको जवाब दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ सर, मुझे भी उन युवाओं को जवाब देना है जिन्होंने मुझसे सवाल किया है, ये उन्हीं की इन्फॉर्मेशन है और ये वही रोकर हमें कहते हैं, ये वही मेरी बहनें कहती हैं, ये वही मेरे भाई कहते हैं जो आज 82 दिन के, 50 दिन के, 100 दिन के प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और इस धूप में भी चल रहे हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल कुछ नहीं है। हम भी उन युवाओं के लिए जवाबदेह हैं, आप बेफिक्र रहे हैं उसमें, आप बड़ी शिद्दत के साथ उनका केस परसू कर रहे हैं और आपकी जो एनर्जी एंथुसियाज्म उन लोगों के लिए, सबसे पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, आप बड़ी शिद्दत के साथ उनके इशूज़ को, लेकिन इस बात का ख्याल रखें आप कृपा करके कि कहीं से आर्गूमेंट कहीं नेगेटिव साइड ना चल जाए और डिफ्लेक्ट ना हो जाए। नेगेटिव जाना ही नहीं है, हम अपने युवाओं की खिदमत में हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे युवाओं के जो खिदमत में हम हैं, टू योर इंटेग्रिटी एंड योर प्रोफेशनल एक्यूमेन। आपने 3-4-5 जगह मेरे साथ बात करते भी कोई ऐसी बात कही कि जिसका कोई तथ्य, जिसका जिसे कहते हैं कोई फैक्ट, जिसका कोई बेसिस उसमें, तो प्लीज़ बी कंस्ट्रक्टिव उसमें, लेट्स इंडल्ज इन कंस्ट्रक्टिव डिबेट। आप हमें देखें, आप पहली बार जो पॉजिटिव वार्ड डोमिसाइल में, एक और बात है, मैंने कल भी बात कर रहा था उसमें कि डोमिसाइल लॉ बनने से कॉम्पिटिशन नैरो डाउन नहीं हुआ, कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो कम हो गया है, चूँकि फ्रॉड वाला स्टेट सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा और जो नए डोमिसाइल आएंगे वेस्ट पाक रिफ्यूजीज वूजीज कितने होंगे, ये 2-3 लाख, 4 लाख कितने होंगे, अब तो स्टेट सब्जेक्ट ये पहले यहाँ पे नौकरियाँ नहीं और 2-4 लाख आ जाएंगे सर, मतलब पहले नौकरियाँ नहीं है, खिता पीर पंजाल का बच्चा कंपटीशन करेगा सर, पूंछ राजौरी की बॉर्डर का, इंटरनेशनल बॉर्डर का बच्चा कंपटीशन करेगा सर, कुपवाड़ा करना की बॉर्डर का बच्चा कंपटीशन करेगा सर, स्टेट सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर, सर मेरी बात सुनेंगे आप सर, कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, नौकरियाँ ही हमारे पास नहीं है, रिसोर्स ही हमारे पास नहीं है, आपको मालूम है सर आज प्राइवेट में क्यों इतने बच्चे लिखे पड़े गए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट गए हुए हैं, बिकॉज रिसोर्स नहीं है जम्मू कश्मीर में, इतना फ्रॉड स्टेट सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर में, जो डोमिसाइल लॉ बनने के बाद स्कैन होगा, स्क्रीन होगा और कटेगा, वो तो पहले भी हो सकता था सर, वो तो सर आपकी सरकार में भी हो सकता था, वो चीजें करने होते तो सर वो आप कर सकते, वो आप भी कर सकते हैं सर, वो आप भी कर सकते हैं, पठानिया साहब, वो आप लोगों के हाथ में है, वो डोमिसाइल जरूरी नहीं है। टू आर्गुमेंट्स नो, अब आप कह रहे हैं और लाइए, आप और लाइए, सुनिए मेरी बात, एक दो विचारधाराएं 47 में यहां बनी, एक विचारधारा थी कि टू नेशन थ्योरी, दैट्स ऑल, मजहब के नाम पे देश बनाना, दूसरी विचारधारा थी कि नहीं, ये भारत की सभ्यता, एक भारत का एक इतिहास रहा है कि हर मजहब, हर तबका, हर रिलीजन यहाँ पे एक जिसे कहते हैं एक अम्ब्रेला में, एक आसमान के नीचे सारे रहते हैं, सेकुलरिज्म जिस देश की नींव बनी, जो लोग वहाँ से उठ के जिन्होंने सेकुलरिज्म को गले से लगाया, आज तक आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना अल्लाह और उनको, नो आई पुट ए क्वेश्चन टू यू कि जे आज 40-50 साल पहले वो लोग आए, जो पंजाब में आए, जो दिल्ली में आए, जो महाराष्ट्र में आए, जो बॉम्बे में आए, दे आर ऑल राइट, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आए, आज तक ना वोट देने का हक, ना नौकरी का हक, ना एडमिशन का हक, ना ज़मीन लेने का हक, बताइए मुझे, और जो लोग हमारे सेकुलर करेक्टर को छोड़ के उस टू नेशन थ्योरी में गए हैं, वो यहाँ ज़मीन ले सकते हैं, दे आर प्रैक्टिकली रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीसेटलमेंट एक्ट के माध्यम से उनको वापस लाया जा रहा था, तो वेयर इज
द क्राइम एंड वी आर प्राउड टू बी। इफ यू वॉन्ट टू डिनाउंस इट या आपको आर्गूमेंट इसमें करना चाहते हैं आप या मेरे मित्र, आई एम प्राउड टू बी जिसे कहते हैं ट्रोल्ड फॉर इट इसमें, कि आज वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को, आज वाल्मीकि को, आज गोरखास को हमने डोमिसाइल दिया है इसमें, और वी डोंट वॉन्ट टू बज एनी वेयर फ्रॉम इट। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं एक आर्गूमेंट एक और बन गया है बिहारी बाबू करके, आप देखें प्लीज़ पॉजिटिव डिबेट इसमें करें कि बिहार के लोग आ गए। एज पर लॉ एक आदमी एक स्टेट का एक वक्त डोमिसाइल बन सकता है। आज नवीन चौधरी जी को डोमिसाइल मिला है, अब वो बिहार के डोमिसाइल नहीं बन सकते। कल को बिहार का डोमिसाइल बनना होगा तो उनको जम्मू कश्मीर वाला डोमिसाइल छोड़ना पड़ेगा। तो देर विल बी बहुत एक छोटी कैटेगरी ऑफ लोग होंगे, मेरे ख्याल चंद सैकड़ों थाउजेंड्स में होंगे जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज वाला यहाँ का डोमिसाइल लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस डोमिसाइल के साथ साथ कितना फ्रॉड स्टेट सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा। इस डोमिसाइल कानून का एक दूसरा एक तरीका है, कितने स्टेट सब्जेक्ट्स कमीशन बने आज तक जिनका रिजल्ट आज तक जीरो रहा है, बिल्कुल बिग जीरो। पुरानी सरकारों ने बनाया कि फ्रॉड स्टेट सब्जेक्ट पकड़ेंगे, फ्रॉड पकड़ेंगे, फ्रॉड पकड़ेंगे। जम्मू कश्मीर एक ब्लो करने वाला है, जम्मू कश्मीर इज वॉन्ट टू ब्लॉसम इन टू ए वेरी ब्यूटिफुल वेरी एक रिच। और आप मुझे बताइए आज हैदराबाद ने जिस तरीके की प्रोग्रेस की है, आज पूना ने जिस तरीके की प्रोग्रेस की, आई वॉन्ट टू पुट ए क्वेश्चन, आज छोटे छोटे हब्स आईटी हब्स आज टूरिज्म, आज केरल ने जिस तरीके से अपने आप का टूरिज्म प्रमोट किया है, वाई नॉट जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो पाया 60 साल से? क्योंकि यही स्लोगन्स की राजनीति हम आज तक करते रहे, आज अब स्लोगन की नहीं अब एक्चुअली फैक्ट पे बात होगी। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपने मित्रों को अपने साथियों को कि सोशल मीडिया पे इन यूज़लेस ये जो कुछ लोग एक स्लोगन यहाँ पे चला रहे हैं, मैंने कहा कि ये आपने अनएम्प्लॉयड किए हैं, अब ये आपको मिसलीड करना चाहते हैं प्रवोक करके तमाशा करके। जब ये लोग थे सरकार में आज डेली वेजर को तनख्वाह मिलती है, मुझे बताइए क्या 95 में कितनी डेली वेजरों को कितनी तनख्वाह मिलती थी, 96 में कब ये रेगुलराइज होते थे, आप 10 साल 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। आज अरे खेल वाले लगे हैं, कब के ये CPED BPED MPED करके आए हैं, तब क्या होता था इनके साथ आज? तो माई पॉइंट इज कि इन लोगों ने अपने दौरान तो कुछ किया नहीं, लेकिन आज एक ऐसे माध्यम से डिबेट को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। मैं एक ही मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, वी शुड बी पॉजिटिव, हमें एमेनिसिपेटिव रहना चाहिए और इस डिबेट में इन्वॉल्व करके हमें एक जम्मू कश्मीर को बड़ा खूबसूरत एक जम्मू कश्मीर बनाना है। ठीक है अपोजिशन हो, कंस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, आपके मीडिया के बंधुगण हमारे साथ मिले, हमें बैठें, हम इसको उस तरीके से पॉजिटिव ले जाएं, तथ्यों पे बात हो। चलिए कहीं मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे आगे लूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद रहूँगा तस्कीन का, आज हमारा बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर अच्छा इंटरेक्शन होने के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए RS पठानिया साहब मौजूद थे, काफ़ी सारे सवाल भी हुए और काफ़ी सारे जवाब भी मिले। जम्मू कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं उन पर हमेशा हमारे सवाल रहते हैं, युवाओं के हक इंसाफ के लिए बात होती है और रूलिंग पार्टी से हमारे सवाल रहते हैं। एक सवाल तो ये भी हमारा रहेगा कि पिछले 70 सालों की सरकार ने भी कुछ नहीं किया जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए और ना ही जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, इसीलिए आज वो युवाओं को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और आज वो युवा इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब रूलिंग पार्टी पर भी इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं लेकिन इनकी तरफ से भी जवाब बनना हक है, तो जवाब दी जा रही है। अब आते वक्त में ही मालूम चलेगा कि किस हद तक जम्मू कश्मीर के युवाओं की तरक्की की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जितनी बातचीत हुई वो आप लोगों के लिए हुई, आप हक के हक इंसाफ के लिए हुई। आप फिलहाल देखते रहें डेली तस्की न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।